अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल अपने स्थापना दिवस को बृहद स्वरूप में मनाने के लिए 3 सितंबर को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के रूप में देश भर में इकाइयों के माध्यम से मनाएंगे। दारुलशफा में आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि भारत जो विश्व गुरु है उसको पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए प्रत्येक व्यापारी को जुटना पड़ेगा और सरकारों को व्यापारी के महत्व और सम्मान देना पड़ेगा, तभी देश में उद्योग व्यापार और उन्नत हो सकता है। इसलिए संगठन अपने स्थापना दिवस को प्रारंभ से ही व्यापारी दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है। संगठन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 29 जून भामाशाह जी की जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में प्रदेश सरकार की तरफ से मनाए जाने का निर्णय लिया है। संदीप बंसल ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में तथा देश के 9 राज्यों में राष्ट्रीय व्यापारी दिवस का आयोजन होगा। सभी जनपदों में विभिन्न विधाओं से जुड़े महानुभावों को सम्मानित किया जाएगा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं वरिष्ठ महामंत्री सुरेश छाबलानी, प्रदेश मंत्री जावेद बैग, युवा प्रदेश महामंत्री आकाश गौतम, युवा अध्यक्ष अश्वन वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज गौतम मौजूद रहे। लखनऊ में राष्ट्रीय व्यापारी दिवस का आयोजन ऐशबाग रोड स्थित एक निजी होटल में किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष पंचकुला विधायक ज्ञान चंद गुप्ता होंगे, जिनके द्वारा व्यापारी भूषणों को सम्मानित किया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न प्रकार के दिवस आयोजित होते हैं। 14 नवम्बर बाल दिवस है, 1 मई मजदूर दिवस है, 5 सितम्बर शिक्षक दिवस है। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला, सर्वाधिक राजस्व और रोजगार देने वाला वर्ग, जिसके कारण कभी देश सोने की चिड़िया कहलाता था, उसका भी एक दिवस हो और पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय व्यापारी दिवस आयोजित हो, ये सोच लेकर के संगठन काम कर रहा है कि जैसे शिक्षक दिवस है, बाल दिवस है, मजदूर दिवस है, वैसे ही एक व्यापारी दिवस एक साथ पूरे देश में आयोजित हो, ये सोच लेकर हम लोग चल रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का हम साधुवाद करते हैं, जिन्होंने संगठन की मांग पर 29 जून को, जो कि भामाशाह जी की जयंती होती है, उसको व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है और अगले वर्ष से, यानी कि सन 2024 से, सभी जनपदों में इसको जिलाधिकारी के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर आयोजित किया जाएगा। लेकिन हमारा विषय ये है कि सभी देशवासी, देश के सभी व्यापारी एकजुट होकर के इसको आयोजित करें और देश की उन्नति के लिए और आगे बढ़ करके आएँ, इसलिए राष्ट्रीय व्यापारी दिवस की मांग भारत सरकार से संगठन लगातार कर रहा है। सर, ये जो व्यापारी दिवस आप बोल रहे हैं, इसमें जो जिनके फिजिकल दुकान है उनको आप शामिल करेंगे खाली, या जो ऑनलाइन जो बिजनेसमैन है उनको भी शामिल करेंगे? हम देखिए, जो ऑनलाइन मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हम तो उनका विरोध करते हैं। विरोध का मतलब जो जाति वो कर रही हैं, भारत सरकार के जिन नियमों का वो उल्लंघन कर रही हैं, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन हम साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि आज के इस युग में जो हमारा व्यापारी है उसको भी और हाईटेक होने की आवश्यकता है। कल भी आपके सामने कई ऐसे उदाहरण आएंगे जब हमारा कार्यक्रम व्यापारी दिवस का होगा, कई व्यापारियों को, कई लोगों को, उपभोक्ताओं को बड़ा धोखाधड़ी मिल रही है इन ऑनलाइन कंपनियों से। तो अगर कोई दुकान से खरीदेगा सामान तो उसको धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि दुकान उसकी स्थायी है, स्थिर है। लेकिन ऑनलाइन अगर कोई नकली सामान आ गया तो वो उसका कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारा ये जो राष्ट्रीय व्यापारी दिवस का सोच है, ये स्थायी दुकानदारों के लिए है, जो दुकानदार दुकान लगा करके चला रहे हैं।